ओम शांति। पीसीडी 887 क्लैरिफाइड ऑन 8 मार्च 2008 एट सीहोर एमपी। Do you want to listen to a recent Avyaktvani or a Murli? The students replied, a recent one, Baba. The recent Avyaktvani? ओम शांति। 5 मार्च 2008 की अवैक्तवाणी। अवैक्तवाणी डेटेड 5 मार्च 2008। हेडिंग दिया है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। द हेडिंग गिवन इज अक्यूमुलेट द पावर ऑफ साइलेंस एंड गुड डीड्स इन द बैंक ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। ट्रांसफॉर्म द फीलिंग ऑफ मी विद द मंत्र ऑफ शिव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे। टुडे बाप दादा कैन सी द लव ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम एवरीवेयर। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। ऑल ऑफ यू हैव ऑल्सो कम हियर ऑन द एयरक्राफ्ट ऑफ लव। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेह के पास पहुंचाई देता है। दिस एयरक्राफ्ट ऑफ लव वेरी इजीली टेक्स यू टू द लव्ड वन। स्नेह बहुत नजदीक आ जाता है। द लव्ड वन कम्स वेरी क्लोज। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवली नात्मय परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही। Bab Dada can see that today, especially the souls merged in love, that is lovely, are swinging in godly love. Bab Dada bhi char aur ke bachchon ke sneh mein samaye hue hain. Bab Dada too is engulfed in the love of the children from everywhere. Ye Paramatma ke hai, baap samana sharir hi sahaj banaye deta hai. This godly love easily makes you bodiless, equal to the Father. व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। It makes you stabilize in the avyakt stage, in the avyakt form, beyond the vyakt stage. बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख करके हर्षित हो रहे हैं। Bab Dada too is happy to see every child in the stage equal to the father. आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि शिव जयंती बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए। Today all the children have come to celebrate Shivratri, Shiv Jayanti, the fathers as well as their birthday. बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। इवन बाप दादा हैव कम फ्रॉम देयर अबोर्ड्स टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। सारे कल्प में ये जन्मदिन बाप का न्यारा और अति प्यारा है। This birthday of yours and the father's is the most amazing and lovely one in the entire cycle. सारे कल्प में कोई का भी बर्थडे परमात्मा नहीं मनाते। In the entire cycle, the supreme soul doesn't celebrate anyone's birthday. आत्मा आत्मा का मनाते हैं। The soul celebrates the soul's birthday.
लेकिन ये अलौकिक जन्म परमात्मा आप आत्माओं का मनाते हैं। बट द सुप्रीम सोल सेलिब्रेट्स दिस अलौकिक बर्थडे ऑफ यू सोल्स। साथ में जन्म की विशेषता और भी है अलौकिक, जो सारे कल्प में नहीं हो सकती। टुगेदर विद दैट द स्पेशलिटी ऑफ दिस बर्थ इज इवन मोर अलौकिक, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द एंटायर साइकिल। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता हो। यू माइट हैव नेवर हर्ड दैट द बर्थडे ऑफ द फादर एंड द चिल्ड्रन इज ऑन द सेम डे। तो इस जन्मदिन का ये भी महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मनाए रहे हो। इस जन्मदिन को शिव जयंती भी कहते हैं और शिवरात्रि भी कहते हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बर्थडे इज ऑल्सो बिकॉज यू ऑल आर सेलिब्रेटिंग विद द फादर द बर्थडे ऑफ द फादर एंड द चिल्ड्रन ऑन द सेम डे। दिस बर्थडे इज कॉल्ड शिव जयंती एज वेल एज शिवरात्रि। तो जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार है। Therefore, along with the birth, it is also a memorial of the task performed. अंधकार मिटने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। It is the memorial of the disappearance of darkness and the spread of light. तो ऐसे अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्मा हैं। So, you are the lucky souls who celebrate such an alaukik birthday with Bap Dada. बाप बच्चों को पदम पदम गुणा इस दिव्य जन्म मनाने की बधाइयां भी दे रहे हैं। The father himself is giving multi-million fold greetings for celebrating this divine birthday. दुआएं भी दे रहे हैं और दिल का याद प्यार दे रहे हैं। He is also giving blessings and heartfelt remembrance and love. मुबारक हो। Congratulations. पदम गुना मुबारक हो। Multi-million times congratulations. भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। The devotees too celebrate this festival with a lot of sentiments and great love. आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है और अभी भी कर रहे हो। The elevated and alaukik deed that you had performed and are performing even now in this divine birth. वो यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। Whether they celebrated for a short period or time in the form of a memorial, but it is a wonder about the devotees too. यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों को भी देखो कितनी कमाल है। Look, what a wonder it is about the ones who celebrate the memorial as well as the ones who make the memorial. जो काफी करने में होशियार तो निकले हैं, लेकिन आपके ही तो भक्त हैं ना। They are very clever in copying. But they are your devotees, aren't they? तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन्हें यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिल जाता है। So, the fruit of your elevation is received as a blessing by those who celebrate the memorial. आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो। यू टेक द प्लेज फॉर वंस इन वन बर्थ। संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेते हो ना। यू टेक द प्लेज ऑफ कंप्लीट प्यूरिटी, डोंट यू? कॉपी तो की है। दे हैव सर्टेनली कॉपीड यू। एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। They take the pledge of purity just for one day.
और आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है। एंड योर एंटायर बर्थ इज द प्लेज ऑफ प्योर फूड। और वो एक दिन रखते हैं। एंड दे कीप इट फॉर वन डे। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है। बाप दादा सॉ टुडे इन द अमृत वेला दैट योर डिवोटीज आर नॉट एनी लेस। उनों की भी विशेषता अच्छी रही है। दे टू हैड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत रखा है। सो ऑल ऑफ यू हैव टेकन द प्लेज फॉर द एंटायर बर्थ। चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्पों की पवित्रता का, चाहे शुद्ध वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्मों, पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया। Whether it is in food and drink, whether it is the purity of the thoughts of the mind, whether it is the pure speech, whether it is in actions, whether it is in the actions while you come in contact and relationship, you have a firm pledge for the entire birth. तो पक्का पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? So, have you taken a firm pledge or have you taken a weak one, that is, just a little of it? पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यूरिटी इज द बेसिस ऑफ ब्राह्मण लाइफ। पूज्य बनने का आधार है। इट इज द बेसिस ऑफ बिकमिंग वर्शिप वर्दी। श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। इट इज द बेसिस ऑफ द बेस्ट अटेनमेंट। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गई हैं, वो अपन को चेक करो। सो ऑल ऑफ यू लकी सोल्स हु हैव रीच्ड हियर, चेक योरसेल्फ। ये जन्म का उत्सव पवित्र बनाने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता का नहीं लेकिन मन वचन कर्म संबंध और संपर्क में भी पवित्रता हो, ये पक्का व्रत लिया है। द सेलिब्रेशन ऑफ दिस बर्थ इन मेकिंग यू प्योर इन ऑल द फोर वेज, not just in celibacy, but let there be purity even in the mind, that is thoughts, speech, actions and relationships and contacts. Have you taken this firm pledge? जिन्होंने पक्का पक्का लिया है, थोड़ा भी कच्चा नहीं, वो हाथ उठाओ। Those who have taken a firm pledge and it is not weak even to a little extent, raise your hands. कितना पक्का लिया है? How firm a pledge have you taken? कोई हिलावे तो हिलेंगे तो नहीं? Will you shake if someone shakes you? नहीं हिलेंगे। Will you not shake? कभी कभी तो माया आती है ना? Maya comes sometimes, doesn't she? कि माया को विदाई दे दी है। Or have you bid farewell to Maya? या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। Or do you permit her sometimes to come? अपन को चेक करो। Check yourself. पक्का व्रत लिया है? Have you taken a firm pledge? सदा का व्रत लिया है या कभी कभी का? Have you taken a pledge forever or for sometimes? कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है ना? Sometimes more, sometimes less, sometimes firm, sometimes weak. It is not like this, is it? तो बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा अपन को मानते हैं। Because everyone thinks they are more than 100% in their love for बाप दादा। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप के प्यार में आपका परसेंटेज कितना है? इफ बाप दादा आस्क्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर लव फॉर द फादर, तो सब बहुत उत्साह से हाथ उठाते हैं। देन एवरीवन रेजेस हिज हैंड विद ग्रेट एंथुसियाज्म। एक
प्यार में परसेंटेज भले कम ही होती है। Although in love very few have a percentage, that is shortage. और मेजॉरिटी की है। And majority have, that is full. 5/3/2008 की वाणी का दूसरा पेज। The second page of the Vani dated 5/3/2008. तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चार रूप में मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क, चारों ही रूप से संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। So just as you have passed in love, even Bab Dada believes that the majority has passed in love. But in the pledge of purity in all the four forms, mind, speech, actions, relationships and contacts, there is a percentage in maintaining the pledge of complete purity in all these four forms. अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? What does बाप दादा wish now? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हरेक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। बाप दादा wishes that in the promise that they have made to become equal to the father, so let the father's personality be visible in everyone's face. हर एक बोल में बाप समान बोलो। Let every word be equal to the father. बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। बाप दादा's words become a blessing. तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। So all of you check this. Is the father's personality visible in our face? और बाप की मूरत क्या है? एंड वॉट इज द फादर्स पर्सनैलिटी? संपन्न, सब बातों में संपन्न, ऐसे हरेक बच्चे के नयन, हरेक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है, सदा मुखड़ा मुस्कराता हुआ चेहरा दिखाई दे। कंप्लीट, कंप्लीट इन रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, इन द सेम वे इज एवरी चाइल्ड्स आईज, every child's face equal to the father. Let the smiling face be visible all the times. Kabhi soch wala, kabhi vyart sankalpon ki chhaya wala, kabhi udaas, kabhi mehnat wala, aisa chehra to nahi dikhai deta hai. Sometimes a thoughtful one, sometimes one with a shadow of wasteful thinking, sometimes sad, sometimes hard working, such a face is not visible, is it? सदा गुलाब, ऑलवेज अ सदा गुलाब, दैट इज ऑलवेज चेयरफुल लाइक अ रोज। अभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा, कभी और किसी प्रकार का न बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने ये भी देखा है और जन्मते बता दिया है कि माया आपके सृष्टि जीवन का सामना करेगी। A face which is blooming like a rose should not become something else sometimes, because Bab Dada has even seen this and has told you at birth that Maya will confront you in this elevated birth of yours. लेकिन माया का काम है सामना करना और आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। But it is Maya's work to confront and come, and it is the work of you souls who take the pledge of purity forever to chase Maya away from a distance. बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं है,
Babdada has observed that many children do not chase away Maya from a distance. Maya aati hai to aa jaane deti hai. If Maya comes, they let her come. Hathat Maya ke prabhav mein aa jaati hai. That means to say, they come under the influence of Maya. Agar dur se hi nahi bhagate hai, to Maya ke bhi aane ki aadat pad jaati hai. If they do not chase her away from far away, then Maya develops the habit of coming. Baar baar koi na koi roop mein aati hai. She comes in one or the other form every now and then. Aur wo jaan jaati hai ki yahan ye humko baithne denge. And she comes to know that they will let her sit here. Baithne ki nishani hai, Maya aa jaati hai. The indication that she sits here is that Maya comes. सोचते हैं कि ये माया है. They think that this is Maya. लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं? Nevertheless, what do they think? अभी हम कोई संपूर्ण थोड़े ही बने हैं. That we have not yet become complete. हम क्या कोई नहीं संपूर्ण बने हैं? Leave us aside, no one has become complete. अभी तो सभी बन रहे हैं. Now everyone is becoming complete. हम भी बन जाएंगे. So we too will become complete. तो गैंग गैंग करने लग जाते हैं. तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है. So they keep saying, we will, so Maya develops the habit of sitting. तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं. Therefore, you certainly are celebrating the birthday today. बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं. The father too is giving blessings, greetings. लेकिन बाप हर एक बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखना चाहते हैं? बट इन वॉट फॉर्म डज द फादर वॉन्ट टू सी एवरी चाइल्ड, इवन द वन इन द लास्ट नंबर? क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना? बिकॉज इवन द लास्ट नंबर इज बिलवेड टू द फादर, इजंट ही? भले 8 की माला हो, 108 की माला हो, फर्स्ट मणका और लास्ट मणका दोनों बाप के समीप है. ऑल्दो इट इज द माला ऑफ 8 और द माला ऑफ 108, बोथ द फर्स्ट बीड एंड द लास्ट बीड आर नियर टू द फादर. तो प्यारे तो है ना? सो दे आर डियर, aren't they? तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखना चाहते हैं. So the father wants to see the child in the last number too as a sada gulab. Khila hua. A blooming one. Murjhaya hua nahi. Not a drooped one. Murjhane ka karan hai thoda sa albela pan aa jata hai. The reason for drooping is that they become a little bit careless. Sochte hain ho jayega. देख लेंगे, कर लेंगे, पहुंच ही जाएंगे. दे थिंक दैट इट विल हैपन, वी विल सी टू इट, वी विल डू इट, वी विल सर्टेनली रीच देयर. ये गैंग गैंग की भाषा नीचे गिरा देती है. दिस लैंग्वेज ऑफ विल विल ब्रिंग्स देम डाउन. तो चेक करो. सो चेक. अभी कितना समय बीत गया? How long it has been now? अभी समीपता का समय का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है. Now बाप दादा has already given the indication about the closeness of the time and the sudden happenings. दे रहा है ऐसे नहीं. It is not that he is giving it. दे दिया है. But he has already given it.
ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट होने की आवश्यकता है। इट इज नेसेसरी टू बिकम एवर रेडी एंड अलर्ट फॉर सच अ टाइम। अलर्ट रहने के लिए चेक करो, हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। फॉर रिमेनिंग अलर्ट चेक, इज अवर माइंड एंड इंटेलेक्ट ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर? बुद्धि क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी हो। द इंटेलेक्ट नीड्स टू बी क्लीन एंड इट शुड ऑल्सो बी क्लियर। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। फॉर दिस फॉर बिकमिंग विक्टोरियस ऑन टाइम बोथ द कैचिंग पावर एंड द टचिंग पावर आर रियली नेसेसरी इन द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। ऐसे सर्कमस्टांसेस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हो लेकिन क्लीन और क्लियर मन बुद्धि होगी तो बाप का इशारा, बाप का डायरेक्शन, बाप की श्रीमत तो मिल ही जाएगी और वो कैच कर सकेंगे। सच सर्कमस्टेंसेस विल कम दैट इवन इफ यू आर सिटिंग समवेयर फार बट इफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट इज क्लीन एंड क्लियर देन यू विल एनीवे रिसीव द इंडिकेशन फ्रॉम द फादर, द फादर्स डायरेक्शन एंड द फादर्स श्रीमत एंड यू विल बी एबल टू कैच इट। मन बुद्धि क्लियर नहीं होगी तो कैचिंग पावर काम नहीं करेगी। If the mind and intellect is not clear, then the catching power will not work. तो देखो, clean बुद्धि रखना। Therefore, look out, keep the intellect clean. Touch होगा, ये you will receive the touching. ये करना है। You should do this. और ये नहीं करना है। And you should not do this. इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। Therefore, Bab Dada has said this also before. वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। Accumulate the power of silence to the maximum extent possible at present. जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन बुद्धि का कंट्रोल कर सको। You should be able to control the mind and the intellect whenever you wish, wherever you wish. व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच न हो। Let waste thoughts not touch you even in your dreams. ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। Such control of the mind is required. इसलिए कहावत है मन जीते जग जी। That is why there is a saying, the one who wins the mind wins the world. जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है पांव है जहां चाहो जब तक चाहो तब तक कारण से चला सकते हो। For example, there are the physical organs, the hands, the legs. You can use them on your order in whichever way you wish, as long as you wish. ऐसे ही मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय काम करे। सिमिलरली लेट द कंट्रोलिंग पावर ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट वर्क इन द सोल ऑल द टाइम। इमर्ज रहे, ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध संपर्क में आने के समय अनुभव कम हो जावे। Let it remain immersed. It should not be so that it is experienced during the time of yoga, but it is less experienced during the actions and while doing business, while coming into relationship and contact. अचानक पेपर आने हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। The examinations, that is, papers, will take place suddenly because Tests are also taken at intervals before the final result.
इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? ऑन दिस बर्थडे व्हाट स्पेशल थिंग विल यू डू? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। As much as you can accumulate the power of silence, get lost in the experience of sweet silence in a second. क्योंकि साइंस और साइलेंस Because science and silence साइंस भी अति में जा रही है। साइंस टू इज गोइंग इन टू इट्स एक्सट्रीम। तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। सो The victory of the power of silence on science will bring transformation. Silence की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो। You can also give cooperation to any soul through the power of silence, even while you are sitting far away. सकास दे सकते हो। You can give searchlight. कोई का भी भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। You can pacify someone's mind that has gone astray. ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे उठ करके बच्चे को साइलेंस की शक्ति से सकास दिया और अनुभव कराते थे। यू सॉ ब्रह्मा बाबा व्हेनेवर अ यूनिक चाइल्ड वाज इन सम फ्लक्चुएशन और वाज सेटलिंग द अकाउंट ऑफ हिज बॉडी Getting up early in the morning, he gave searchlight to that child through the power of silence, and he used to make him experience it. 5-3-2008 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। The third page of the Vani dated 5-3-2008. अंत में साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। So in the end, you will have to give cooperation through the service of the power of silence. संसार ये बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी ही खुलती है और कोई भी जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। कीप दिस वेरी वेल इन योर अटेंशन द बैंक वेर यू कैन अक्यूमुलेट द पावर ऑफ साइलेंस And the power of elevated actions opens only at this time. In no other life there is the bank to accumulate this. Abhi agar jama nahi kiya, to phir bank hi nahi hogi, to kisme jama karenge? If you do not accumulate now, then where will you accumulate it? When the bank itself will not be there? ये जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करना चाहो उतना कर सकते हो। Therefore, you can gather as much power of accumulation as you wish. वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो। In a way, even people say, do whatever you want to do right now. जो सोचना है वो अब सोच लो। Think whatever you want to think right now. अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आ जाएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। Now whatever you think will just remain a thought, but after some time when the time limit approaches near, the thoughts will change into repentance. हम यह करते तो अच्छा होता, यह करना था। It would have been better if we did this. We should have done this. सोच नहीं रहे, पश्चाताप में बदल जाएगा। It will not remain a thought. It will change into repentance. इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं। This is why बाप दादा is hinting from before itself. साइलेंस की शक्ति
एक सेकंड में कुछ भी हो जाए, साइलेंस में खो जाओ। द पावर ऑफ साइलेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, गेट लॉस्ट इन साइलेंस इन वन सेकंड। ऐसे नहीं कि हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। इट इज नॉट दैट यू थिंक, वी आर जस्ट मेकिंग एफर्ट। अभी जमा का पुरुषार्थ कर जमा कर सकते हो। नाउ यू कैन डू द एफर्ट ऑफ अक्यूमुलेटिंग। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा हैज लव फॉर द चिल्ड्रन। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। बाप दादा वॉन्ट्स टू टेक एवरी चाइल्ड विथ हिम। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। द प्रॉमिस दैट इज देयर, वी विल स्टे टुगेदर, वी विल गो टुगेदर। वो वायदा निभाने के लिए साथ चलेगा। विल यू कम अलोंग इन ऑर्डर टू कीप दैट प्रॉमिस। जो समान होगा वो ही साथ चलेगा। ओनली द वन हु इज इक्वल विल गो अलोंग। सुनाया था ना? इट वॉज सेड, वॉजंट इट? डबल फॉरनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। द डबल फॉरिनर्स लाइक टू वॉक हैंड इन हैंड। तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो। सो लेट द हैंड बी इन द हैंड ऑफ श्रीमत। बाप की श्रीमत वो आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। द फादर श्रीमत इज योर ओपिनियन, दिस इज कॉल्ड हैंड इन हैंड। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना? So it is all right. You have come to celebrate the birthday today, haven't you? बाप दादा को खुशी भी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। बाप दादा इज ऑल्सो हैप्पी दैट हिज चिल्ड्रन, बाप दादा इज प्राउड दैट हिज चिल्ड्रन आर ऑलवेज एंथुजियास्टिक, दे कीप सेलिब्रेटिंग। रोज उत्सव मनाते हो? यू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल एवरी डे। या विशेष दिन पर मनाते हो? और डू यू सेलिब्रेट इट ओनली ऑन स्पेशल डेज? सारा संगम युग उत्सव ही उत्सव है। द एंटायर कॉन्फ्लुएंस एज इज अ सेलिब्रेशन इटसेल्फ। ये सारा युग ही उत्सव का है। द एंटायर एज इज एन एज ऑफ सेलिब्रेशन। और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। नो अदर एज इज लाइक द कॉन्फ्लुएंस एज। तो सबको उमंग उत्साह है कि हमें समान बनना ही है। सो दे ऑल आर एंथुजियास्टिक दैट दे हैव टू बिकम इक्वल टू द फादर। देखेंगे, बनेंगे, करेंगे। We will see it, we will become so, we will do it. हर बात में गेंगे नहीं। There should be no will in everything. जो समझते हैं बन नहीं है, वो हाथ उठाओ। Those who think that they have to become, raise your hands. बन नहीं है, क्या करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार तो है, कुछ भी क्या करना पड़े। वी विल हैव टू बिकम सो, वी विल हैव टू सैक्रिफाइस, वी विल हैव टू डू तपस्या, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग। परंतु सबसे बड़ा त्याग क्या है? बट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द बिघन डालता है। वन बिग वर्ड ब्रिंग्स ऑब्स्टेकल्स इन सैक्रिफाइसिंग। त्याग, तपस्या, वैराग। सैक्रिफाइस, तपस्या, डिटैचमेंट। बेहद का वैराग। द अनलिमिटेड डिटैचमेंट। और इसमें एक ही शब्द बिघन डालता है। एंड इन दिस ओनली वन वर्ड रेजेस ऑब्स्टेकल्स। जानते तो हो कौन सा एक शब्द है? यू डू नो विच वर्ड इट इज? वो शब्द है मैं। That word is I. अर्थात body consciousness. Meaning the body consciousness. इसलिए बाप दादा ने कहा जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है?
मेरा बाबा। Therefore, Bab Dada said that whenever you say my, what do you remember first? My Baba. Aata mera Baba, aata hai na? My Baba comes to the mind, doesn't it? Bale mera aur kuch bhi karo, lekin mera kehne se aadat pad gayi. Pehle Baba aata hai. Although you do whatever else with my, you have developed the habit, when you say my first, Baba comes. ऐसे ही जब मैं कहते हैं जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है. Similarly, when you say I, just as my Baba is not forgotten. कभी किसी को मेरा कहो तो बाबा शब्द आता ही है. Whenever you say my to anybody, the word Baba certainly comes. ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे. Similarly, when you say I, let the soul come to the mind. मैं कौन? Who am I? ज्योति बिंदु आत्मा. A point of light soul. मैं आत्मा ये कर रही हूँ. I, a soul, am doing this. तो मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाएगा. Then my and I will change from the limited to the unlimited. हो सकता है? Is it possible? कान तो हिलाओ. At least nod your head. ये आदत डालो. Make it a habit. मैं और फौरन आवे आत्मा. Say I and immediately let the soul come to the mind. और जब मैं पन आता है. And when the mindness comes. तो एक शब्द याद आवे, करण करावन हार कौन है. Let one word be remembered. Who is the doer and the enabler? बाप करावन हार है, कराए रहा है. The father is the enabler. He is enabling us to do it. करावन हार शब्द करने के समय सदा याद रहे. Let the word enabler be always remembered while doing something. मैं पन नहीं आएगा, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी. Then the mindness will not arise, like my point of view, my duty. तो ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है ना, मेरी ड्यूटी. So you have a lot of intoxication of the duty, don't you? You say my duty. लेकिन देने वाला दाता कौन है? But who is the giver? ये ड्यूटीज भी प्रभु की देन है. These duties are also a gift from God. प्रभु की देन को मैं मानना तो भला सोचो ये अच्छी बात है क्या? Well, think, is it good to consider the gift of God to be yours? तो बाप दादा भी लास्ट दो टर्न है. एक मास सीजन समझो. So for Bab Dada, there are two turns, one month, consider it the season. इस वर्ष की सीजन समाप्त होने में. For this season to end. तो समाप्ति में बाप दादा क्या समाप्ति कराना चाहता है? So what does Bab Dada like to end during the end of the season? Ever ready है कि सोचना पड़ेगा? Are you ever ready or will you have to think about it? चाहे यहाँ आवे या नहीं आवे. Whether you come here or not. लेकिन हरेक स्थान से बाप दादा रिजल्ट चाहते हैं. But Bab Dada expects results from every place. एक मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है. दिस वन मंथ मेक योर नेचर नेचुरल बिकॉज द नेचुरल नेचर डज नॉट चेंज क्विकली. तो नेचुरल नेचर बनाओ जो बताया सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे. सो मेक योर नेचर नेचुरल एज इट वॉज सेड लेट द फादर्स ट्रेट्स ऑलवेज बी विजिबल थ्रू योर फेस. चरण से बाप की श्रीमत दिखाई दे. लेट द फादर श्रीमत बिकम विजिबल थ्रू योर बिहेवियर.
और सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। एंड ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। लेट योर मूवमेंट ऑफ बीइंग ऑलवेज कंटेंटेड एंड मेकिंग अदर्स कंटेंटेड। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। Let there be the balance of actions and remembrance in every action. Hey, बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते। Many children keep saying very nice things to बाप दादा. बताएं क्या कहते हैं? Shall I say what they say? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना मेरी ये नेचर है और तो कुछ नहीं है। They say बाबा अंडरस्टैंड दैट इट इज माई नेचर इट इज नथिंग एल्स। मेरी नेचर ही ऐसी है। माई नेचर इज लाइक दैट। अभी बाप दादा क्या कहे मेरी नेचर है मेरा बोल ऐसा है कई ऐसे कहते हैं। वेल व्हाट कैन बाप दादा से मैनी से लाइक दिस दिस इज माई नेचर माई स्पीच इज लाइक दैट। क्रोध हमने थोड़े ही किया मेरा बोल ही थोड़ा बड़ा है। We did not become angry. My voice is a bit loud. थोड़ा तेज बोल लेता हूँ बाकी अंदर से तो कुछ भी नहीं है। I speak a little loudly. As for the rest, there is nothing internally. मैं कोई क्रोध थोड़े ही किया है। I did not become angry. सिर्फ तेज बोल दिया। I just spoke a little loudly. देखो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। See how sweetly they talk. और बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरी नेचर कहते हो ये मेरा कहना ही रंग है। एंड बाप दादा says that which you call my nature, it is wrong to say my. मेरी नेचर की ये रावण की नेचर समझो। Consider my nature to be the nature of रावण। ये आपकी नेचर नहीं रावण की नेचर है। दिस इज नॉट योर नेचर इट इज द नेचर ऑफ रावण। 5 मार्च 2008 की वाणी का चौथा पेज। द फोर्थ पेज ऑफ द वाणी डेटेड 5th मार्च 2008। आपकी नेचर अनादिकाल आदिकाल पूज्यकाल या ओरिजिनल नेचर है। Your original nature is the eternal nature, the nature in the beginning and during the period of worship. रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो इसलिए आ जाती नहीं है। You say that which belongs to Ravan is yours, so it doesn't go. पराई चीज को अपना बना लिया है। You have made that which belongs to someone else as yours. कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे छिपा कर रखे अच्छा माना जाता है क्या? If someone keeps someone else's thing with him, if he hides it, then is it considered good? तो रावण की नेचर पराई नेचर उसको मेरा क्यों कहते हो? So why do you call the nature of रावण someone else's nature as yours? बड़े फकूर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है ये मेरी नेचर है। You say with great pride, there is no mistake of mine. It is my nature. बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। You try to convince even बाप दादा। अब ये समाप्ति समारोह करेंगे। Now will you hold the closing ceremony? बोलो करेंगे। Tell me, will you? देखो दिल से कहो मन से कहो जहाँ मन होगा वहाँ सब कुछ हो जाएगा। Look, say it from the heart, say it from the mind. Where there is the mind, everything will happen. मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है। Accept from the mind that it is not your nature. ये दूसरे की चीज है। This belongs to someone else. वो अपने पास नहीं रखनी है। You should not keep it with you. बाप तो मर्जी वा मर्जन बन गए ना।
आप भी बन जाओगे। The father has died while living, that is Marjiva, hasn't he? You too become like that. आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? Yours is the Brahmin nature or is it the old nature? तो बाप दादा क्या चाहते हैं? What does बाप दादा want? बाल मनोरंजन बनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन सब कुछ करते समय बाप समान बनना ही है। Although you may arrange some entertainment, dance, play while doing everything, you have to become equal to the father. समान बनने के बिना साथ चलेंगे क्या? Will you go with him without becoming equal to the father? कष्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। You will have to wait at the customs at the abode of Dharmaraj. तो साथ नहीं चलेंगे? So will you not go along? सोचो। Think. बताओ, दादियां बताओ, एक मास रिजल्ट देखें क्या? Speak, दादीस, speak. Shall we see the results of one month? देखें? Shall we see it? एक मास अटेंशन रखेंगे? Will you keep attention for one month? एक मास अगर अटेंशन रखा, तो भी नेचुरल हो जाएगा। If you keep attention even for one month, it will become natural. मास का एक दिन भी छोड़ना नहीं। Do not leave even a single day in the month. अच्छा। All right. जिम्मेवारी उठाती हैं दादियाँ। Dadis take the responsibility. सभी इकट्ठे होकर के एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। All of you get together and extend the hand of good feelings and good wishes to each other. जैसे कोई गिरता है, तो उनको हाथ दे करके प्यार से उठाते हैं। For example, when someone falls, he is given a hand and picked up with love. तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग दे करके आगे बढ़ाते चलो। So with the hand of good feelings and good wishes, extend cooperation to each other and encourage them ahead. आप सिर्फ चेकिंग कम करते हो, करके फिर चेक करते हो, पहले सोचो पीछे करो। It is just that you do very little checking. You do it first and check it later. First think and then do it. पहले करो पीछे सोचो नहीं। Do not do it first and then think. ये डबल विदेशी क्या समझते हैं? What do these double foreigners think? करेंगे? Will you do it? डबल विदेशी करेंगे? Will the double foreigners do it? बहुत अच्छा। Very good. अगर डबल विदेशी एग्जाम्पल बन जाएं तो बाप दादा बहुत बहुत दुआओं की बरसात करेगा। If the double foreigners become an example, Bab Dada will shower a lot of blessings. क्या सोचा डबल विदेशियों ने? Example बनेंगे? What have the double foreigners thought? Will you become an example? अगर example बनेंगे, तो दोनों हाथ उठाओ। If you become an example, then raise both your hands. कमाल है। It is amazing. बाप दादा डबल विदेशियों को अभी से हिम्मत और उमंग उत्साह की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा is giving the blessings from now on for the courage and the zeal and enthusiasm. ये भारत वाले भी कम नहीं है, वो भी अंदर अंदर सोच रहे हैं। Those from Bharat are also no less.
दे टू आर थिंकिंग विद इन. वो सोचते हैं कि हम करके ही दिखावेंगे. दे थिंक दैट दे विल श्योरली डू इट एंड शो. तो देखो भारत ने क्या नहीं किया. सो लुक व्हाट हैज भारत नॉट डन. भारत वाले बाप को ऊपर से नीचे ले आए. दोज फ्रॉम भारत हैव ब्रॉट डाउन द फादर फ्रॉम अबाव. ये कमाल तो की है ना भारतवासियों ने. द रेसिडेंट्स ऑफ भारत हैव परफॉर्म्ड दिस वंडर हैवंट दे. तो उनके आगे और बातें क्या बड़ी बातें हैं. सो इन फ्रंट ऑफ दैट व्हाट एल्स इज ग्रेट. अच्छा ऑल राइट. जो समझते हैं कि बाप से और दादी से भी बहुत बहुत प्यार है वो हाथ उठाओ. Those who think that they have a lot of love for the father and also the dadis, raise your hands. Achha, kitna pyar hai? All right, how much love do you have? Abhi aapka dil kaun sa geet gaata hai? Now which song does your heart sing? Geet gaata hai na, itna pyar karega kaun? It sings the song. Who will love so much, doesn't it? Jitna bachche baap ko karte, baap karta bachchon ko. As much the children love the father loves the children to that extent. Itna pyar koi karega? Will anyone love so much? तो प्यार के पीछे क्या छोड़ना थोड़ी छोड़ कुछ छोड़ना थोड़ा ही लगता है. सो फॉर द सेक ऑफ लव लिविंग दैट इज सैक्रिफाइसिंग समथिंग डजंट सीम लिविंग एट ऑल. ये छोड़ना नहीं है ये तो पाना है. दिस इज नॉट लिविंग इट इज अचीविंग. छोड़ना नहीं कहेंगे. It won't be called leaving. बाप दादा शिव मंत्र चला के सभी को संपन्न रूप में देखते हैं. बाप दादा कैन सी एवरी वन इन द कम्प्लीट फॉर्म बाई यूजिंग द शिव मंत्र. आपके पास भी शिव मंत्र है ना. यू टू हैव द शिव मंत्र डोंट यू. शिव मंत्र है छू मंत्र नहीं है. यू हैव द शिव मंत्र. You do not have the mantra of magic, that is Chhu mantra. To Shiva mantra chalao. So use the Shiva mantra. Agli baar soch samajh karke apna plan banao, aap hi banao. Next time, think properly and then make your plans. Make it yourself. Bana karke dete hain to bahane bahut karte hain. If it is prepared and given, then you make a lot of excuses. हमसे ये हो गया ये हो गया. तो अपना प्लान अपने आप ही बनाओ. वी डिड दिस सो मेक योर ओन प्लान. आज बाप का जन्मदिन मनाए रहे हो तो जन्मदिन पर क्या करते हैं. टुडे यू आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ द फादर. सो व्हाट डू दे डू ऑन अ बर्थडे. कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं. दे गिव सम गिफ्ट. गिफ्ट देते हैं ना. दे गिव सम गिफ्ट डोंट दे. तो बाप को क्या गिफ्ट देंगे. सो व्हाट गिफ्ट विल यू गिव टू द फादर. जो बाप ने कहा वो करके दिखाना यही गिफ्ट देना. डू एंड शो व्हाट द फादर सेड गिव दिस गिफ्ट. और बाप दादा भी आप सबको गिफ्ट दे रहा है. And Bab Dada is also giving you all a gift. Aapka bhi to janmdin hai na. It is your birthday as well, isn't it? To kya gift de rahe hain? So what gift is he giving you? Jo gift lena chaho wo le sakte hain. Vishesh vardaan hai. You can take whatever gift you would like. It is a special blessing. लेकिन वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले इस वरदान को रिवाइज करेंगे.
But the blessing will come of use when you revise this blessing every day at Amrit Vela. गिफ्ट को रिवाइज करेंगे. When you revise the gift, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना. So बाप दादा is giving this very gift, never leave the step of courage. तो बाप दादा हजार कदम मदद देगा. Then बाप दादा will give you help for 1000 steps. ऐसे नहीं देखना, देखे बाबा मदद करता है या नहीं. Do not check like this. Let us see if Bab Dada will help us or not. बाबा का इम्तिहान नहीं लेना. Do not take Baba's test. बाप तो बांधा हुआ है. The father is bound to help. आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बांधा हुआ है. You two are bound and the father is also bound to help. इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना. Look at this gift every day again and again. कोई बढ़िया गिफ्ट होती है तो उसको बार बार देखते हैं. बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है. If there is a nice gift, you see it again and again, thinking it is excellent, it is very nice. तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्मयोगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना. So look at it every day during the Amrit Vela and even while you are doing something, revise it in between in your Karmyogi life as well. Achha, gift li or gift di? All right, you received a gift and also gave one. Ye achhi baat. This is a good thing. ओम शांति.